आज के इस वीडियो में हम चिड़िया के अंडे दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में इसमें कुछ दिन बाद ये अंडे फूट गए थे, उसमें से चिड़िया भी निकली, वो भी आ गया वीडियो में आप देख सकेंगे। तो ये इसका घोंसला है और अब हम आपको ये अंडे फूटने के बाद जो बच्चे बाहर निकले हैं वो दिखाएंगे। और ये देख सकते हो आप, 15 दिन के बाद ये अंडे में से बच्चे बाहर निकल चुके हैं और घोंसला बहुत सुंदर अंदर से बनाया हुआ चिड़िया ने। और ये आराम से एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर गर्दन डाल के आराम से सो रहे हैं। और ये 3 बच्चे हैं, ये 2 अंडों में से 3 बच्चे निकले हैं। और इसमें घोंसले के अंदर ये ठंडी पौधे की बेल के बीच में इनका घोंसला बना हुआ है, तो वो ठंडक के साथ ये बैठे हैं आराम से। अभी काफ़ी तेज़ धूप थी बाहर, तो नीचे घोंसला इसी जगह बनाया है चिड़िया ने और बहुत होशियारी से बनाया है। और ये देख सकते हो आप, अब ये मुंह ऊपर कर रहा है और चिड़िया कुछ ही देर में इनके लिए जो इनके लिए दाना पानी है, जो कीट पतंग है, वो ला के इनकी खिलाएगी। ये मुँह इसलिए बार बार ऊपर कर रही है, अभी भूखे हैं। तो ये छोटे छोटे से चूजे हैं, चिड़िया के बच्चे हैं और देख रहे हैं किस तरह से इसमें अभी पंख निकलने चालू नहीं हुए हैं। अभी जो इनके ऊपर की ये यहाँ पे यहाँ जो जगह है, हाथ है, हाथों में इनके पंख लगेंगे, फिर ये उड़ना चालू हो जाएंगे कुछ ही दिनों में, वो भी हम आगे वीडियो आपको दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हो इसके छोटे छोटे हाथ हैं, नीचे पैर हैं और ऊपर चोंच है, बिल्कुल पीछे रीढ़ की हड्डी भी, ये देखो जो गर्दन से जुड़ी हुई है, मतलब देखा जाए तो कुछ ना कुछ इसमें भी इंसान के कुछ स्वरूप मतलब दिखाई देते हैं। तो घोंसले के अंदर ये मस्तर मटरगस्ती कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर। ये अब ये इसको हम दाना पानी भी देंगे, मुंह ऊपर कर रहे हैं। ये तो देख सकते हो काफ़ी बड़े हो गए हैं, अभी कुछ 10 दिन के बाद ये काफ़ी इनमें परिवर्तन आया है, इनके शरीर में पंख निकलने चालू हो चुके हैं और 10 से 15 दिन में ये उड़ना भी चालू हो जाएंगे। आगे हम आपको वीडियो में वो भी दिखाएंगे। तो मुंह से ये बार बार मुंह घोंसले से बाहर निकाल रहे हैं और अपनी माँ को पुकार रहे दाने के लिए कि इन्हें दाना या पानी जो भी चिड़िया अपने चोंच से देती है वो दे। तो हम इसे कैमरे को काफ़ी नज़दीक लेके नहीं जाएंगे, ये डर जाते हैं, छोटे हैं अभी। और तो देख सकते हो तो ये काफ़ी 15-20 दिन के बाद का वीडियो है और इसमें भी आप देख रहे हो इसकी आंखें हैं वो धीरे धीरे खुलना चालू हो चुकी है, क्योंकि पहले इनकी जो आंखें थी वो बंद थी। और इसको हमने मस्तराम नाम दे दिया है। और ये दाना और पानी अभी सो रहे हैं और चोंच भी बार बार खोल रहे हैं अभी। तो हमने आसपास में इनके पानी और वगैरह सब के लगा कर रखा है। ये देखिए अब चिड़िया है जो इनके लिए खाना लेके आ रही है, ये चिड़िया है ऊपर आप देख रहे हो, ये खाना लेके आई है इनके लिए, ये इनकी माँ और पिताजी हैं। और ये अब उड़ने की तैयारी में है, ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, 15-20 दिन बाद इन्होंने उड़ान भरनी चालू कर ली है। देखिए पंख इनके निकल आए हैं और उनकी पूरी जो कहानी है अंडे से बाहर निकलने तक की आपको मैंने दिखाई है। आगे ये अब उड़ने की तैयारी कर रहे हैं, नन्हे नन्हे पैरों के साथ उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसको हाथ पे लेके आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि पकड़ में नहीं आता, बहुत तेज़ी से उड़ रहा है। ये देखिए अब ये उनकी आँखें खुल चुकी है और उड़ने की स्थिति में आ चुके हैं। हम इसे वापस घोंसले की तरफ लेके जाते हैं। काफ़ी प्यारी चिड़िया हैं, छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे हैं, तो इन्हें हम घोंसले में छोड़ देंगे। 10 से 15 दिन ये घोंसले के अंदर रहेंगे ना, तो यहाँ इनके लिए सब हमने चुगे और पानी की व्यवस्था करके रखी है। अभी बैठे हैं छोटे छोटे पंख हैं इनके, देखिए आप पीछे, और इनको हम
सिटी मारेंगे थोड़ी, तो ये देखो क्या करते हैं एक्टिविटी। तो अब हम इनको वापस घोंसले के पास छोड़ेंगे ताकि आराम से ये घोंसले में जाके बैठ जाए, अपने उड़ने की कोशिश कर रहा है। और देख सकते हैं आप ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे अपने कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को, घंटी बटन को कर दे सभी नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।